इस वक्त जी मैं खड़े हूँ, आया हूँ बल्कि गुरमाणी है, यू गुरमाणी जो है अपना कोटद रोड है ना, चौक कुरैशी है ये अपना कोटद रोड, इस पर गुरमाणी का लवा लवा है जी, अपना महमूद कोट है थोड़ी साइड पे, आगे कौन सा सुनावा, महमूद कोट सुनावा, गुरमाणी कस्बा गुजरात, अगर चौक कुरैशी यानी मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं, और उरा मैं यू काफ़ी बिल्कुल ना एक देहाती एरिया उरा आया हूँ, फसल वगैरह तो बहुत है, यू बहुत गना यू गन्ना खड़ा है, और उरा ये फरमाइश भाई कई दोस्त थे उन्होंने काफ़ी बारी मेरे से कहा कि जी जो से ना तगा बिरादरी के हैं त्यागी, जो से अपना उनकी वीडियोस बनाओ, तो उस वजह से मैं फिर आज टाइम काट का आया हूँ स्पेशली, लेकिन ये है कि हैं तो देहात खेतों में बैठे, लेकिन बिजली वगैरह हर किसी का पहुँची है, बल्कि यह भी मैं दिखाऊँ हूँ कि ये देखो ये खम्भे, ये तार वगैरह हैं खम्भे, यानी हर घर वास्ता है, उरा यू ये हैं जी तगा बिरादरी के लोग हैं, और इनका एक एक घर वास्ता ये उरा है ना बिजली पहुँच रही है, उरा बिजली के ये खम्भे पोल वगैरह ये देख मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, खज्जिया का भी इलाका है, खज्जी भी बहुत खड़ी है उरा खजूर, और ये देखो, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल ही नहीं था कि मूड़े जाटा के अलावा कोई इस लेवल के जाता बैठा, क्योंकि उन्हें ज़मीन वगैरह तो उरा भी इनका भी यू हिसाब है, ये तगा बरादरी ज़मीन वगैरह इन पर मेरे ख्याल अच्छे आपके खेतों में बैठे हैं ये, तो ये देखो जानवर वगैरह भी इन्होंने बहुत सारे अपना रख रखे हैं माशाल्लाह, बड़ा और डंगर भी बड़े सुथरे हैं सारे, कोई कुत्ता तो नहीं आ रहा है, कुत्ता तो कौन ही, मैं कहता कुत्ता ही वो हो, डंगर डिस्टर्ब हो जाएगा अपनी वजह से, देखिए मैस वगैरह हैं, ये काफ़ी जानवर हैं इन्होंने बंदरे हैं, बल्कि मैं और कुत्ता तो क्या कौन ही आगे लागे बंदे स्वागत करने वास्ते बैठे आगे, बंदरे हैं कि खुले हैं, ये खुले हैं, चला जा बस फिर मैं कुछ आता डर हूँ मैं तो, ये जी जानवर घर उड़ने भी हैं साइड पे बंदे, वाह जी वाह बड़द जबरदस्त है तारा जी, बड़द बंदरे है ये देखो, बड़ा तकड़ा बड़द है, रेडी में जोड़ा करो, चलो जी आ जाओ फिर, ये खज्जी है बल्कि खजूर ये ट्राई करूँ दुकान की, ये काफ़ी सारे खजूर लाग भी रही हैं बहुत, शायद नज़र आ जाए काफ़ी, ये बूटे इन्होंने काफ़ी बाग वो माल्टे नींबू, और ये किस किस चीज़ के बूटे, ये बेरी का है, फालसा है, बेरी है, मिला रखे हैं, अमरूद भी हैं, अच्छा अच्छा ये कौन सा अमरूद, चाइना का है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उरन भी बना, आइए एक मिनट, हाँ हाँ कुआ बनाना पड़ा बहुत डूंगा, कुआ भी इतना कि नीचे नज़र को नहीं आता कुछ भी, हाँ हाँ वही वही बिल्कुल सब सिस्टम समझ गए, ये भी जानवर ये ना माशाल्लाह जी बड़े प्यारे जानवर खड़े हैं ज़बरदस्त, ये गाँव मदनी है, ये अंग्रेजी कहाँ जाते हैं वास्तव पंखे पंखे का बंदोबस्त कर रखा है, बोले थी वो ये बीस बजे था वास्तव ठंडक का बंदोबस्त कर रखा है, ये जी जानवर बड़े सुथरे हैं, और ये देखिए सिस्टम वगैरह इनका ना जानवरों का, ये ट्यूबवेल है खेत वगैरह, ये देखो जी उड़ना ये काफ़ी भी हैं, ये खजूर वगैरह काफ़ी सारे हैं, ये देखो खजूर के इनके अच्छे वाले दरख्त हैं इनके, इस तरह आंबा का भी साइड पर खड़े हैं, आंबा के बाग भी हैं इनके, वैसे इलाका पानी ज़बरदस्त है उड़ा का, ये दरिया कितने की दूर रहता है, अच्छा तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर दरिया है, दरिया है सिंध, काफ़ी बड़ा दरिया, तो ये देखो ये खजूरों के भी अक्सर तुम नज़र आते हो, पूरे इलाके में है खजूर, खजूर का बड़ा एरिया है, आम भी हैं, आम खजूर फ्रूट वगैरह ये देखिए इनके भी, अच्छा जे कोई भाई इन बुजुर्गों के लिए बात करना चाहे तो इनका नंबर है यू भाई मोहम्मद वसीम का यू बात करा देंगे, व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी इन बुजुर्गों के लिए बात करना चाहे तो ये स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी करें, 0092317665284141 देखो जी नंबर भी मैंने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करी है, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक ठाक हो, खैर अल्लाह का शुक्र, चलो जी अल्लाह ताला शुक्र रखा है, अच्छा वो कोई हिंदुस्तान की बात पूछूंगा तरफ जी मैं, हाँ जी बताओ, अच्छा सबसे पहले तो अपना नाम बता दो, मेरा नाम है चौधरी रियासत अली, चौधरी रियासत अली, और तारे वाले साहब का नाम क्या था, अलादीन चौधरी, अलादीन चौधरी अलादीन, अच्छा हिंदुस्तान में कौन सा काम रहा करते, जशनगढ़ था, अच्छा
अच्छा जशनगढ़ गांव जी। तो यू अपना कौन से जिले में पढ़ा करता? ये जिला करनाल तहसील पानीपत। ठीक 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 ठीक। इसमें था जशनगढ़ दरिया के किनारे पे। अच्छा जमुना दरिया जमुना लगता था। ठीक है उसके किनारे पर था। अच्छा तो ये जशनगढ़ गांव तो इसके अलावा तो नज़दीक की गांव थे उनका पता है कौन से थे? बिल्कुल पता है जी। इस तरफ शुमाल की तरफ हथवाड़ा था तगाव का था। अच्छा तगा थे हिंदू। अच्छा अच्छा हिंदू तगा थे ठीक है ना। अच्छा ये हिंदू तगा भी हो करते हैं मुसलमान भी। हाँ हाँ। अच्छा और जनाब इस तरफ मगरिब की तरफ देरा मावटी थी। अच्छा वो जट्टों की थी। ठीक है देरा बनियों बकल बनियों का था। ठीक है और मावटी जो थी वो जट्टों की थी। ठीक है और जनाब जनूब की तरफ फिर चले चला उस तरफ रक्सेड़ा और रक्सेड़े तक अग बेगा बेगे तक जनाब यो चंदोली चंदोली के ऊपर फिर पमनेरा पमनेरा तो ऊपर फिर रसूलपुर रसूलपुर तो ऊपर नए बांस और फिर उस तो ऊपर मुमार पर ये सारे तगाओ के थे मुसलमान तगाओ के थे। इसमें हिंदू कोई कोई थोड़े थोड़े थे। हाँ थोड़े थोड़े कोई किराड़ों की दुकानें थी बाणिया की और ये सारे दरिया के किनारे तो पूरा इलाका था फिर वो सारे गांव इकट्ठे। हाँ ये सारा इलाका हमारा 24 तक हुआ था। अच्छा यानी 24 गांव थे ये। 24 गांव थे ये तो तगाव के मुसलमानों के। अच्छा 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 जी हाँ। तो अब ये जनाब ये तो थे हमारे साथ साथ। ठीक है हमारे तो मगरिब की तरफ जो था जनाब इस देरे से आगे फिर जाकर था वही बंद कर गनौर का अड्डा। गनौर का गनौर ठीक है गनौर के अड्डे पे जनाब स्टेशन था वहाँ तो स्टेशन पे गड्डी आ गई थी और जनाब वहाँ थे हम बैठ के और जनाब दिल्ली और दिल्ली से हमारा रिश्तेदारी थी तिहाड़ जा रहे थे जमुला जा रहे थे। अच्छा तो गड्डी जाती वहाँ ये यूपी में थे नहीं दिल्ली सुबह। अच्छा दिल्ली में थे सुबह ठीक है ना। अच्छा तो वहाँ जनाब नुसमक हम जनाब इस पर नुसमक जुमा मस्जिद दिल्ली जो है उस पे बैठ जाते थे और फिर वहीं तक गड्डी मिलती थी जनाब तंगे मिलते थे तिहाड़ के ठीक है ना। ठीक ठीक तो फिर वहाँ से उस तंग में बैठ कर हम तिहाड़ जाया करें थे और जनाब नुसमक वहाँ से फिर वापस हम आया करें थे तो फिर वही गनौर के अड्डे पर उतरा करें थे। अच्छा ये थे हमारे गांव नुसमा और रिश्तेदारी जो नुसमा थी हमारी यूपी में भी थी। यूपी में कौन सी जगह? एक जनाब कुटेसरे एक जनाब हूँ तो यूपी में बहुत रिश्तेदारी थी हमारी रिश्तेदारी इंगे भी थी लेकिन मैं अपनी जाती रिश्तेदारी बता रहा। अच्छा अच्छा कुटेसरे हमारी फूफी थी। ठीक है ददेड़ू मुजफ्फरनगढ़ में हमारी फूफी थी ठीक है ना। ये दो गांव में हमारी फूफी थी और बाकी वैसे जो नुसमजक यो था के नाम ओड्डा पर मैं उसमें हमारी दादी समझ थी नसरतर की बहन। ठीक है अच्छा उस पर फिर छपरुली में हमारी चाची मर गई थी बेचारी वो उसमें नसीबों की बहू है जी। फिर जी उस तक यो आ गया के नाम यो के नाम गोस पर हमारे एक खानदान आज तक भी पड़ा है। अच्छा वो आए को नहीं मैं बेचारे वहीं रह गए थे गरीब थे। अच्छा 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 एक खानदान जिस वक्त हम वहाँ पे उजड़े तो जनाब नुसमजक कैंप में जाकर पड़े मैं नुसमजक तुझे बहुत दास्तान सुना लूँ। जिस वक्त जनाब मैं 12 साल का था उस वक्त। अच्छा मैं डंगरों में था तो जनाब मेरे साथ ही जो नुसमत था तो उसकी माँ रांड जिस वक्त वहाँ से हवा हल्ला पड़ी तो वो जनाब बुलाने उसे आई तो उनने बताया भाई बात इस तरह है भाई वो नुसमजक भाई चली से पीले फिर है? चलो एक अच्छा तो जनाब वहाँ थे उनने कहा भाई पीछे धार डाली तो हम राख सेड़े गए। ये तारेगाम की है बात? हाँ हाँ नहीं तारेगाम में जो से थे हाँ। अपना तारेगाम जो था जशनगढ़ था हाँ। कितना बड़ा था यू? ये बस मोजे ही समझ। अच्छा मोजा था ये कारकोली था रक्षेड़े में। अच्छा उसका एक मोजा था यानी ये इस तरह था ना
कि यो था नवाब का, अच्छा। राजा का, वो था उतरक। उतरक जो था तो उसने इस पे थे के नाम है, दो यानी खानदानों में थे, रक्सेड़े थे, वो बेटे मांगे अपनी यानी अच्छा विरासत के वास्ते। अच्छा अभी हाँ, उसकी आपकी औलाद थी नहीं, उसने कहा चलो उड़ता ले लूँ मैं। तो एक हमारे थे दिया था उसमें गाटो में थे, एक लिया था गाड़ियों में थे, ठीक अच्छा है ना। ये गोत हैं। ये गोत है गाड़ी और गाटे, अच्छा गाड़ी और गेटे ये गोत हैं। गोत नहीं बस है, बस समझा के बढ़ गया आपस में ही। अच्छा। हाँ, इनमें से एक एक ले लिया। एक एक ले लिया। गोत तो सराया ही है, सरोई है। गोत सरोई सरोई है। अच्छा 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 जी, जब यहाँ से मैं ले लिए दो, यानी एक नाम भी हो गया गाड़ी और है वो उसमें गाटा है भाई, एक गाटे की को उसमें से ले लिया, एक गाड़ी की उसमें से गोद में से ले लिया। तो मैं दो लिए, एक गाड़ी और एक गाटा। उसने जनाब जिस वक्त वो मर गया तो विरासत जो थी वो इनके दोनों को चली, तो इन दोनों ने रकबे थे ढेर, उस वक्त आदमियों की जरूरत कम ही थी। होया करती। तो जनाब मारे दादा जो था ना उसने तो यानी माली बुलाए, मालियों पे 30 बीघे बाग लगवाया कर जनाब। उसने उन्होंने कहा कि भाई तुझे 30 बीघे उसने मरूस दी थी, 30 बीघे बाग लगवाया था मालियों पर मालियों पे उस अपना उन। किशनगढ़ हाँ, और गाड़ियों ने ना जो गाड़ियों ने अपने में अद्धे में बसाए थे मैं ये तगा हिंदू, अच्छा, ठीक है ना। तो ये जनाब ये दो ये यानी चार कौम होगी ना, यानी एक माली हो गए, तगा हो गए और जनाब ये हो गए, ये थोड़े थोड़े थे असल मुसलमान थे। इसमें उसमें एक जो तगा थे जुलाए भी थे, वे भी मुसलमान थे। तो वहाँ तो फिर हम सारे उसमें रक्सेड़े में इकट्ठे हो गए, रक्सेड़े में तो फिर उसमें एक होया भाई बेगा, चलो अच्छा। बेगा साथ ही था, वहाँ बेगा इकट्ठे हो गए वो सारे गाँव। जब सारे गांव वहां इकट्ठे हो गए तो जनाब मजा के मौत है कल्याण से मियाँ साहब आया, असर का टाइम था मुझे चंगा याद है। तो जनाब वो कहने लगे हाँ भाई, तो एक बच्चा उसमें चंगा तकड़ा था वो कत्ल होया पड़ा, उसमें इस तरह कंध्या पड़ा चुप करियो वो अकबर खड़ा कंध्या पड़ा था, वो जनाब लहू लुहान हो गया। किसने कर दिया वा? वो पक्षे तो होया ना हिंदुओं ने कराया, अच्छा। तो वो कल्याण वाला बार शुरू होगी। अच्छा, तुम अपने काम तो रक्षेड़ा आगे थे। अब रक्षेड़े तो बेगे आ रही है, अच्छा बेगे भी आ रही है, बेगे थे कल्याणा। कल्याणा भी मारा उसमें गए मियाँ साहब था, यानी पीर समझ। हाँ मैं समझ गया। अच्छा नहीं, तुम जशनगढ़ तक रक्षेड़ा गए, रक्षेड़ा था फिर बेगा चले गए। हाँ रक्षेड़ा भी बेगा भी सारे नहीं, नहीं ये सारे जितने गांव थे ना, नहीं तारे गांव पर कोई पहला जो जशनगढ़ था, जशनगढ़ था इस पर कोई अटैक होया था? अटैक नहीं पहले इकट्ठे हो लिए जब उनके समझ के फौज हमारी फौज तो छोड़ दी बंद कर दी थी। हाँ हाँ और हिंदुओं की फौज दे दी थी। हाँ, तो तुम पहले उसमें उसमें आगे अपना वो जनाब मोर्चे बनाए हमने आन के बिग गए। अच्छा बिग गए आगे मोर्चे बनाए, मोर्चे आन के बिग गए, यानी जशनगढ़ भी छोड़ दिया और रक्सेड़ा भी छोड़ दिया, छोड़ दिया और मार पर भी छोड़ दिया और जनाब रसूल पर ये जितने काम ये सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे बिग गए में, बिग गए में। अच्छा जब वो कल्याण वाला मियाँ साहब आया वो बच्चा भी उसमें वहां ले, उनने कहा भाई क्या इंतजाम है? कहने लगा जी मारा बहुत बड़ा इंतजाम है, अब चल दिखो मुझे। जनाब जब तोप पे गए तो जनाब उसने कहा बचाओ, तोप चली तो पट गई। जो समझा कह जनाब थी 30 राइफल वो भी पट गई नाल। जब दो तीन मोर्चे सारे देख लिए उनने और कोई कामयाब ना होया, फिर उसने जाकर नमाज पढ़ाई मियाँ साहब ने, मियाँ साहब ने जब नमाज पढ़ाई तो जनाब नमाज पढ़ा के जब सिजदे में गैर सिजदे में जाकर सलाम फेरा, कहने लगा कुछ देखा कि जी देखा, कहने लगा क्या देखा? अब ये कुछ देखा कि नीली वर्दी है और जनाब असले लैस है लेकिन सिर नहीं, कहने लगा भाई यही कमी है, हमारी फतह नहीं है।
हम इस तरह करो यहाँ तो निकल लो, यूपी निकल लो, पूरा रहने का फायदा नहीं, यहाँ कोई फायदा नहीं, कामयाब नहीं होते तुम, यहाँ तो चल पड़ो। उस वक्त मुझे चंगा होश है, यानी जिस वक्त ये बात कही तो जनाब वहां तो हम आधी रात पर जनाब है समझ निकले, और आधी रात पर जिस वक्त निकले तो उस वक्त दरियाए जमुना में, दरियाए जमुना में। अच्छा बेगत आधी रात निकल लिए सारे? हाँ बेगे तो तमाम जितने भी इकट्ठे हो रहे थे, मैं भी सब। अच्छा ये जनाब जब वहां से निकले हैं तो मैं आप ही नहीं बताऊं, दो हम बेटे थे, एक हमारी बहन थी और दो हमारे माँ बाप थे। अच्छा जिस वक्त हम दरियाए जमुना में गए, ये मजे की बात है सुन। अच्छा जिस वक्त हम जमुना में गए ना दरिया में, अच्छा हमारी बहन के भी गोड्डे पानी था, अच्छा मारे भी गोड्डे पानी था, मेरे बाप के और माँ के भी गोड्डे पानी था, इस तो ऊपर पानी था ही नहीं किसी का। अच्छा ये अल्लाह का छोटा था बड़ा था, ये हकीकत बात है। अच्छा ये दरिया क्रॉस कर रहे हैं, ये दरिया क्रॉस कर रहे हम, यानी उसी तरह रास्ता दिया मैं। अच्छा यानी जो छोटा था जो बड़ा था दरिया ने रास्ता दे दिया, दरिया ने रास्ता दिया बड़ा, छोटा था या बड़ा अपने पैरों निकले। अच्छा तुम दरिया के पैदल, दरिया के मेरे को पड़ गए, दरिया पैदल इसी तरह। तुम डर कौन लगे दरिया में पड़ते, यूरोप नहर में नहीं पड़ते? देखो जी बात यह है ना कि बस उधर जो डर था जब बड़े तो दरिया ने इतना रास्ता दिया कि यकीन कर गोड्डे पानी के ऊपर किसी के नहीं था। अच्छा हम जाके जनाब जिस वक्त दरिया के टप्पू में पड़े, उस टप्पू में जनाब पीछे थे जनाब धाड़ आ गई। एक गांव हमारा जो था ना मुमार पर, वो यहाँ तक इसमें से निकल के वो अपने गांव उल्टा चले गया। अच्छा यार हमारे पास इतना असला है और पीर के कह रहा, पीर की मानी नहीं, मानी नहीं, वो वापस चले गए। जब वहां से धाड़ आई उनमें तो कुछ तो कैट दिए और कुछ आगे दरिया में डूब गए मर गए, कुछ थी आई एक बच्चे नहीं आए। नहीं कौन सी जगह है? यही है हमारे पास। अच्छा ये मुबारकपुर वाले? हाँ मुबारकपुर के। हाँ मुबारकपुर के। अच्छा 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 जी एक तो ये है। अच्छा अब जनाब वहां से जिस वक्त धाड़ आई ना, यकीन कर मन जनाब जिस वक्त आने के दाढ़ किनारे पाई तो दरिया ने छाटे मारना शुरू कर दिया। अच्छा तार पीछे, तारे पीछे भी आए गए? हाँ जब हम हमारा बंदा बंदा ठप गया ना। नहीं मेरा मतलब तारे पीछे यानी आए हैं? आए आए लेकिन वो अगले दिन कामयाब नहीं हुए, दरिया चढ़ गया। हाँ दरिया जनाब छाटे लग गया मारने। अच्छा जब दरिया छाटे मारने लगा जो उन्होंने किश्ती लगाई बेड़ी लगाई तो वो भी नाकाम नाकाम हो गई, यानी अल्लाह की मदद थी। हाँ अल्लाह की मदद हमारे पास। अब उन्होंने खड़े होकर उन्होंने वहां किनारे पे खड़े होकर जनाब अपने पैर करने शुरू कर दिए। जो खड़ा था भाई उसे दे, मैं नहीं पीता, मैं भी कम पीऊंगा, आधा कप कर दो, मैंने एक बोतल पी लिया भाई, मैं कम कौन पीता इतना। अच्छा अच्छा जो खड़ा था उसके भी कान पर गोली टी जैसी करके जा रही थी, जो पड़ा था उसके भी कान पर टी करके जा रही थी, एक आदमी का मारे का लकी नहीं, अल्लाह ने यानी बचत रखी, बचा दी, बचा दी। तो जनाब वो फिर पीछे थे उधर थे यूपी की तरफ थे जो हमारे दो आदमी पकड़े और थे, एक मंजूर और एक और था, कौन सा था मैं जनाब उन्हें उसमें ऑर्डर दिया भाई तुम भी, वो थानेदार ने वो यूपी वाले ने उन्हें रैफले भी दे दी और भाई तुम भी बाहर करो, फिर उन्होंने भी अपने बाहर नहीं। तुम यूपी दरिया पार कौन सा गांव में गए? यो था क्या नाम है, अरे अरे सामने कुताना, कुताना कुताना था सामने बिल्कुल, उसमें मुसलमान थे। हाँ बड़ा मुसलमान नवाब था, यो क्या नाम, यो जो नुस्मान नवाब नुस्मान था नहीं, यो के नाम है, अरे सर अरे नहीं यो नुस्मान जो सदर मुशर्रफ नहीं था, इसकी इसकी माँ कुताने की थी। अच्छा ये पठान वो ठीक 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 समझ ना, वो पठान था और पठान का वहाँ डेरा था समझ जी। तो हम जनाब कुताने गए,
बल्कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर आन के उतरा, हम देखने गए उसे हेलीकॉप्टर को, तो वो दरिया में ही वो टापू में दरिया में वो हेलीकॉप्टर उतरा। हम जनाब कहने लगा देखो देखो क्या है, वो पर्ची सी गिर गया, पढ़ने वाले ने पढ़ ली, कहने लगा भाई BOP लिखट जाए। बस जी वहाँ से चले गए, वहाँ जाएगा चौधरी साहब एक महीना यूपी रहे, कुताना रहे, कुताने में जनाब हमने उसमें पक्के भी कट्टे हैं। अच्छा, एक पहिया गुड़ मेरा बाप रुपए का लिया कर था। हाँ, और आठ पैर हम उसमें गुजारे थे, पांच अफराद गुड़ गुड़ गला गुड़ अब चिपके आया वो भी रस कट। अतर जो घर का सामान समून था सब छोड़े, सब कुछ भी नहीं था हमने, डंगर पशु डंगर भी आन के जो जब बेगा है ना बेगे था, सब ने डंगर भी छोड़ दिए थे, सब रस्से काट दिए। अच्छा हाँ, अजय जनाब एक महीना यहाँ रहे, फिर जनाब यो जो तेरा नौ समय हैदराबाद दक्कन वाले ने उसमें कहा भाई मुझे यो कैंप दे दो, मैं पाकिस्तान के साथ इलाक कर दूँगा। ये जनाब उसने उसमें बसें भेजी, उसमें बस ये बड़ौत, तो हमें ऑर्डर किया भाई बड़ौत चलो, तो बारिश ऊपर हुई थी इतना इतने पानी में कुछ झाग कर जो उसमें यकीन कर वहाँ तक ये उसमें लोग जो उसमें बेगे के थे ना घी घा ले रहे थे वहीं घेर दिए, किनार इस तरफ भी दोनों तरफ बाढ़ लगी हुई थी भाई, ने लुट है लुटन के था मेरे पास था ही नहीं कुछ कुछ भी नहीं था। खैर जी वहाँ बड़ौत चले गए, बड़ौत एक बहुत बड़ा आलिशान बाग था, उस बाग में जाकर पड़े तो बारिश इतनी हो रही कि जनाब हम लोग इस तरह कोड़ी भर भर के बैठे। अच्छा, और जनाब एक मारी भावच के उसमें बच्चा पैदा होया वो भी मर गया, तो उसे हमने उस गाड़ा में ही सो लिया, ठीक है ना। फिर जनाब मात है सवेर हुई, तो सवेर होते के साथ ही जनाब उसमें गड्डियां लगी हुई थी, हम गड्डियों में जनाब बैठना शुरू हो गए। अच्छा, गड्डी भी इतनी थी बेथुकी। अच्छा, अब जनाब उन्होंने बड़ौत होता है बड़ौत, तो जनाब जब बसों में बैठना शुरू कर दिया हमने, तो बस मारी नुस्मत कोई ऐसी जगह जगह तक नुस्मत कट कर दिए नहर में, और नहर की पटरी थी वहाँ जनाब कट कर दिए हिंदुओं ने। बाद जनाब वहाँ से फिर जम्बे झुम्बे गिर गिर के गिर गिर के कोई पाँच चार मील चले। अच्छा, इस वजह से कर दिया कट, ये जा ना सके लारी बस चलना बस ना जा सके, वो जनाब कट कर दिए वहाँ जम्बे झुम्बे गिर गिर के सारे दिन में जनाब पाँच चार मील निकले। अच्छा, आखिरकार फिर ऑर्डर है वापस, सुनो जी यानी यूपी नहीं रह सकते वापस आओ। यूपी नहीं वो जो बस जा रही थी ना हैदराबाद दक्कन की मैं वापस कर दी भाई चलो बड़ौती। अच्छा, फिर बड़ौत आ गए वहाँ से, फिर जनाब कुटे ये उसमें कुताने में आ गए। अच्छा, एक बार तरह यू प्रोग्राम बना था भी हैदराबाद दक्कन चलना। हाँ नहीं, हैदराबाद दक्कन वाले ना महंगे थे। हाँ, यानी तरह यानी तुम भी तो राजी हो गए थे एक बार जान वास्ते। क्या कहे हम तो वो कह रहे कि हाँ डर था मैं तो ना दोनों था भी किसी जगह भी महफूज जगह पर पहुँच जाऊँ। हाँ, कोई महफूज जगह हो चे जी। हाँ, जब तो हमें उसमें ये लगी हुई थी ना भाई पहले तो भाई यहीं बसेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नूथा दिल में भी थोड़े दिन थोड़े से गुजार लो। हाँ, फिर अपना उल्टे आ जाएंगे। हाँ, अच्छा जी, फिर वहाँ तक वापस कुताना है, कुताने से जनाब मेरे पप्पा ने जनाब एक आदमी भेजा और मेरे भाई ने उसमें मेरे भाई को न मेरे साड़े को और सड़े के बच्चे हैं उठा लिया, वो रात को हमें ठहर के चलिया। कौन सी जगह था? कुताने थे। नहीं, वो कौन सा गांव में थे? मैं थे कुटेश रहे। अच्छा, कुटेश। हाँ, अच्छा तुझे ये भी सुनो, जब वहाँ से समझ कैंप में थे ना, कैंप में हमारा यो हाल था कि यकीन कर मान भाई नु समझ कि इतनी इतनी छब्बी है ये इस वाले यूपी वाले छोलों की घूमनी करके ले आ गए थे। अच्छा, अभी खा लेंगे। हाँ भाई, ये देंगे और रोटी कौन पूरी करा है, यानी छोले के उबाल के वो घूमनी हो गए थी बस ले आ गए। और जनाब इतनी सी वो दीवार थी,
उस दीवार की तरफ हम इस तरह भागे करते हैं जिस तरह कबूतर भागे। तो जनाब वो आकेल देता वैसे नहीं बांट सका था, रस की वजह था। हाँ, वो जब पकड़ लेता वो मारे पाँव थोड़ा आटा बन जाते, वो आटा फिर चूंडी तो चुन चुन के हम खाया करते। यो हकीकत बात है। अच्छा फिर ये तो यहाँ होगी, फिर जनाब हम कुटे से चलती है। जब गांव से बाहर निकले एक चूड़ा बहन चौथ वर्दी पहन के फौजी की और हमारे पीछे लग लिया। अच्छा थोड़ी दूर गए थे जनाब बहन उसमें पछे हलो कौन, तो यकीन करिए कंडो की ढींगरी पड़ी थी हम, यानी ज्वार थी, ज्वार मैंने उसमें एक लोहड़ा दे रखा था कंडो का, हमने कंडे शंडे नहीं देखे, ज्वार में लंबे पड़ गए। उसने आने का जनाब मारे ठोकरे मारी। अच्छा लो खड़े हो भाई, जो जेवर जेवर ले आए थे, औरत को जेवर का बड़ा शौक। हाँ हाँ मैं छोड़ करा देनी होती, मेरी माँ जो मेरी मालदा जो थी वो यहाँ पेट का बांध रखा था जेवर। अच्छा मर गए आखिरकार वो जेवर दे के वहां पे जान चुके। हाँ फिर जी वापस कुतान आए उसका राज वो के नाम जो जो वो था वहाँ का यो के नाम पठान। अच्छा उसे कहा उनने चूड़े बुलाए, वो साफ नाइट के जी मैं तो नहीं था रहा कुछ ना मिला। फिर हम वहाँ तक गए जनाब इसमें के नाम ओड्डा पर, ओड्डा पर उसमें हमारे चाचा तो ये पट्टे थे। फिर वहाँ से हम जनाब गए उसमें जो के कुटेश्वर तो देवबन देवबन का मंदिर सब वहीं था, उसके साथ था कुटेश्वर के। अच्छा हाँ हाँ तो वो भी दिखाया भाई ये है। फिर वहाँ तक कुटेश्वर रहे हम महीना, हाँ यो कैंप जो है ना हम इधर चले गए। अच्छा ऑर्डर आ गया भाई चलो पाकिस्तान कैंप का। ये जनाब कैंप जब वापस है समझक हरियाणा में पूछाया ना तो वहां जाकर वही बेगे में पड़े। तो ये मुसलमान हम हमारे जो चाचा था वो थे मैं उसमें वहां हम तो कुटेश्वर निकट गए हम तो ना आए। तो वो जनाब अपने गांव में गए जाकर उसमें गांव में यार कुछ दाने दूने कहने लगे जी बात ये थारे दाने भी उसी तरह थारा सब चीज उसी तरह मस्जिद की एक एक ईंट गिराते जो और भाई तुम तो समझ अपने सब सामान ले। अच्छा यानी हिंदू बन जाओ, हिंदू बन जाओ राजो ईंट गिरा जाओ। अच्छा कहने लगे भाई बात ये ईंट नहीं हम गिराते, ये तो बात ये है कि दो थारी मर्जी ना दो थारी मर्जी। हाँ, बस हाँ, मस्जिद नहीं गिराते, मस्जिद की ईंट नहीं, एक टब्बर ने मेरी ईंट गिराई। अच्छा वो आज तक भी वही है। हाँ तो पाकिस्तान बताऊ ना जब ये कैंप तो लद गया महीने दो महीने डेढ़ महीना हम वहाँ रहे कुटेश्वर वहाँ से फिर एक आदमी आ गया यार दिल्ली के दिल्ली सूबा वहाँ से के नाम कैंप लग गया। कहाँ भाई भाई अगर वहाँ सारे काम इकट्ठे हो रहे कौन कौन से भाई जंगल्ला जंगल्ले में हमारे नाना था दिल जी वो जंगल्ले में जब नाना का नाम लिया मेरा बाप अरे इंगे का पता लग गया इंगे का खत गया बा कहता आगे भाई हम तेरे दिन पना पहुँच लिए। अच्छा ये तुम इतने दिन बाद आए हो। हाँ अच्छा हम जब खत पहुँचा तो जनाब वहाँ था भाई ने समझा कि मेरा बाप चल दिया। फुप्पी मारी जो थी ना फुप्पा वो कह रहे भाई आधा रकबा ले ले और आधे डंगर ले उरे रह जो तू यहीं रहो। वो यूपी में, वो यूपी में कुटेश्वर है। कुटेश्वर अच्छा लेकिन मेरा बाप कहने लगा नहीं मैं तो भाई दूर जाऊंगा। बस जब वहाँ से चले ना तो मारी फुप्पी ने जनाब दीवार में टक्कर मारी थी और तीसरे दिन हमें कैंप में जाकर पता लग गया कि वो मैं। अच्छा यानी दुख लग गया उसने मोहब्बत की इतनी थी। तो हम जनाब वहाँ से जिस वक्त चले है ना हम आवे मुजफ्फरनगर दधेड़ू। अच्छा दधेड़ू रात ठहरे वो पैदल चल रहे वहाँ कौन सी गड्डी थी मारी। अच्छा दधेड़ू यहाँ से मेरठ। अच्छा दधेड़ू तो है मेरठ की तरफ। मेरठ अच्छा मेरठ में जाके जनाब हम एक खुले ही वो था नो पाछे कोई उसके गेट पेट वो नहीं था के नाम बंद नहीं थी बस सी
बस जी उसमें जनाब उसमें बयाओ दिल्ली सुबह दिल्ली दिल्ली चलो दिल्ली, तो हम सारे उसमें बैठ गए भाई, हिंदू भी उसमें थे मुसलमान भी थे, लेकिन डर हमें बहुत लग रहा था को मारता है। हाँ क्यों दिल डहले हुए थे। खैर जी उसमें उसमें हम बैठ गए, बैठे पाछे वो जनाब लियो लाल किला और यो जनाब जो मस्जिद दिल्ली के निचाड़ा ग्राउंड था बहुत बड़ा, उसमें जाके ये बसें भी खड़े थी और जनाब ये तंगे तुंगे मिल जाते। अच्छा वहाँ जाके हम उतरे, वहाँ तक उतर कर भाई फिर हम जनाब गए समझा के वो तंगा पकड़ा, तंगे ने जाके उसमें कैंप पड़ा था इसमें कहना, तो वहाँ थे जनाब समझा के हमें सड़क पे छोड़ दिया काबली की करें दी, कह लिया इनमें को बढ़ के चले जो एक कक भाई बहन लड़के पे और थे पानी भरने आ रही होंगी उसे के मैं मिलके भी उन्हीं के साथ मिलके चले जी, वैसे नहीं पड़े कैंप में, कैंप में। अच्छा चलो भाई ठीक है। खैर जी हम उसमें गए तो वहाँ से अल्लाह ने कहा जो मेरे नान की पीढ़ी थी ना मैं आ रही थे, तो मैंने उसमें उनकी औरतें जवान पानी भरने आ रहे थे वहाँ, हम एक उधर उनकी गैर लड़ कर कैंप में बैठ गए। कैंप में भाई महीना डेढ़ महीना वहाँ से रहे, वो कैंप बड़ा अमन था गुजरिया, हमारा कैंप तो उजड़िया फटके थे और ये दिल्ली वाला कैंप जो था ये तो वहाँ से बादशाह दुकानें लग रही थी, राशन मिले थे, दिन रात फौज का पहरा था, बड़ी हिफाजत थी। खैर जी अब जनाब नहीं तुम अपना दिल्ली से ट्रेन में आए फिर? हाँ ट्रेन में, ट्रेन लागी, ट्रेन में तुम बैठ गए? हाँ ट्रेन में। और भी ट्रेन और भी लोग होंगे? हाँ और अच्छा सारे में हाजिर थे आने वाले पूरा? हाँ हाँ अच्छा यानी सारा कैंप बैठ लिया उसमें? सारा कैंप बैठ लिया, गड्डी भी तो यहाँ था उसमें तो सुनावे। अच्छा अच्छा बजी सारा कैंप बैठ लिया, ये वो गड्डी आन कर सुनसान पिया पान में थाम दी, बाद जनाब डंडे लेकर जवान उतरे, कहने लगा इसकी बहन को मारो, इसकी को ड्राइवर को मारो, नहीं तो ये अपना मरवा होगा। हाँ ये तो मान के लिए थमी ने और सारे को कहा अपने सोटे लेकर दरवाजे पे खड़े हो जाओ। वहाँ जनाब एक एक मारी नो समझा के इसकी क्या नाम है नाई के डब्बे में वहाँ से तो पड़ा कोई, लेकिन डंडे मार के कैट दिया और फिर वे जो उसमें गए कहले पुत्र बहन चो नीचे हम गड्डी चलाना चलाना हम जाने, बहुत से उसमें दे जुते उसे तबा तारिया बा कह लिया नहीं मैं गड्डी चलाऊंगा। अच्छा चलाओ उन लोग पट्टे, फिर उन्होंने गड्डी चलाई तो फिर आने के ठहरी अमृतसर। अच्छा जब अमृतसर गड्डी आने के ठहरी तो उस वक्त किराड़ों की गड्डी इस तरफ से जो गई थी अच्छा वो इस तरह खड़ी और हमारी गड्डी इस तरह। अच्छा ये उड़ता जो हिंदू जाम थे मैं जान वाले लाग रही थी गाड़ी में जाने, तो वहाँ जनाब मैं कहने लगे मेरे भाइयों बात ये तुम जान लग रहे पाकिस्तान तुम्हें मुबारक हो, लेकिन तुमने मैं लैलपुर में उतरना। अच्छा तुम लैलपुर उतरी हो? लैलपुर उतरी हो, लैलपुर जैसा इलाका वहाँ और कोई नहीं। उसी खान करता क्या हिंदुआना? हाँ हिंदुआन हिंदू कह रहे मैं। हाँ जोर से जामे थे। हाँ कहने लगे भाई बात सुन ना इनका कुछ गया ना उनका कुछ गया, गया तो अपना गया, लुटे तो तम और हम। हाँ यानी तम भी लुट का आन लग रहे हम भी लुट का आन लग रहे, तम भी मरवाए का आन लग रहे हम भी मरवाए का अपने बंदे आन लग रहे, तम हरे भाई और हम थरे भाई। हाँ एक काम करियो तुम लैलपुर उतरियो। चलो भाई ठीक है बस जी, वहाँ हमारी गड्डी चल पड़ी। जब पाकिस्तान की दूध आ गई एक आदमी पानी लगाता फिर रहा था, कस्सी चल रही थी, तो उन्होंने कहा भाई बात यह है पाकिस्तान आ गया, उनने जब नारा मारा ना पाकिस्तान का तो ड्राइवर वहाँ फौज कहने लगी भाई पाकिस्तान आ गया और तुम्हें फौज लेना है नहीं और तो अपना फिर तुमने बॉर्डर पर उतार दिया ट्रेन में तो? हाँ हाँ नहीं उतारा नहीं यानी फौज आ गई, फौज का तबादला हो गया। हाँ अच्छा वहाँ फौज बैठी थी ना हमारी, वो तार गला ली भारी गड्डी में उसमें वो फौज बैठ गई। अच्छा और वो जो हिंदुआ की फौज थी वो तले। अच्छा अच्छा फिर वहाँ थे जनाब उसमें पानी पात भाई पियो कस्सी का चल जाता, पानी पात पी कर नारे लगे, नारे लग के फिर आ गए जी छावनी में लाहौर। लाहौर अच्छा
वहाँ बड़ा खाने पक रहे थे लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं, बस जो आगे थे वो उन्हें मिल गया। बंदे का नहीं होंगे यानी रश, बंदे को थोड़े तो नहीं थे, रश हो गया वहाँ। तो जी चले मियावाड़ी, मियावाड़ी पहुँच गए, मियावाड़ी ऊपर कोई हाँ जी, मियावाड़ी पहुँचे तो मियावाड़ी कह लिया भाई एक माँ सी रह थे पहले आ रही थी ना कैंप मारे थे रंगड़ कर लगा भाई यहाँ ना तेरी हो यहाँ तो थाली थाले कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बस वहाँ थे। फिर हमारे आदमी जो थे ना तीन जने, अच्छा मियाँ वाली में रंगड़ पहले पहुँच रहे थे, हाँ कैंप पहले पहुँच रहे थे ना, अच्छा अच्छा कैंप पहले आ गए हाँ ये जना वहाँ थे। फिर हम भाई मारियंटस, हाँ मारियंटस है वहाँ जाकर हमारी गड्डी वहाँ से चलाई थी, वहाँ जाकर ठहरी, वहाँ जाकर ठहरी तो जिस वक्त जनाब वहाँ से वो भाई गड्डी ठहर गई तो उधर पठान जो थे ना मैं आए बड़ी खुशी मनान, उन्होंने आनकर जनाब खाली वो करी चाल मारी, मैं मेरे लोग फिर डर गए या तो तले उतर रहे थे और तले उतर कर जनाब न समझ जब उन्होंने चांद वो अपनी वो करी पैरी पैरी खुशी में कह ले तो भाई ये मारेंगे बच गया है तो मारने की खतर ले हमें यहाँ। खैर जी वापस गड्डी में चढ़ गए, हाँ जब गड्डी में चढ़ गए भाई मैं दूसरी गड्डी में फिर उसमें पछे थे मैं तीन आदमी जो उतरे थे मैं भी फिर बाद में आए ये जना माँ से फिर वो आया डीसी डीसी खबरदार नीचे उतरो पूरा रुको हाँ कह लिया हम नीचे नहीं और मैं शूट करवा दी मांगी कह लिया शूट होते हुए तुम यहाँ ली और तू शूट ही करवा दे हम नीचे नहीं होते बहुत यानी कहता रहा फिर मिन्नत भी करता रहा नहीं बा आखिरकार एक टांग पर खड़ा होकर उन्होंने हाथ बन ली उतर ले रहा है भाई अरे मेरे बीच खुदा जब तक तुम रहोगे यहाँ मैं यानी मैं जब तक मैं हूँ मैं तुम्हारी अच्छी सोचूंगा बुरी नहीं सोचूंगा। अच्छा अब बुरे अच्छे सोचे उन्हें बसाने थे ना, हाँ नीचे उतरियो बस जो नीचे उतर गए वैरान इलाका था उन्हें बसाना जबकि वहाँ पानी था मियाँ वाली में, हाँ नीचे उतर गए। अच्छा नीचे उतरे पाछे जनाब मैडी अंटस थे फिर जनाब भाई ये लग ये बनू थे गड्डी आई तीन गड्डियाँ भरी थी मैं छोटी गड्डी है। अच्छा तो जब इस पर को काले बाग में हम उतरी ना पुल को तो वहाँ कह ले भाई यही है वो अटक तो लुगाइयों ने लुगाइयों ने फिर मैं अटक में पैसे गिरने शुरू कर दिए भैया भेंट मांग गए। अच्छा दरिया के पुल में सहन थे ना ऐसे भेंट मांग गए हाँ। अच्छा फिर जी हाँ मैंने उसमें लक्की मरवा जाकर गड्डी उठाया लक्की मरवा तो लक्की मरवा अच्छा वहाँ कैंप तैर दिया इन लक्की मरवा थी और दो दो दिन की कर ली इकट्ठी उन्होंने और आगे कुछ और फिर अपना तम उस जगह तो फिर अपना देहरादून बनाए देहरादून बनाए तो देहरादून बना तो उन्हें पता लग गया था कि हमारे कौन वाले आ रहे हैं हाँ खत गया था याद तो अच्छा हाँ फिर हम देहरादून बनाए कि हमें कच्ची लाइट मिनट में कोई ऐसा मिला था वो बीटी चौथ में उसमें सामक और जनाब चीना यो देवे चावल चुवल कोई भी ना देवे कणक ना होवे तो वो खा खू के मजदूरी कर कराएगा वो गुजारा करेंगे। खैर जी अल्लाह ने कराया भाई मैं समझा कि कोई माँ सी वो मेरे नाना हरा मंत आए कोई 200 रुपये मेरे नाना ने दिए थे उसमें आ गया फिर कपड़ा कुपड़ा बेचते रहा मेरा बाप गुजारा करते रहे। फिर एक दिन समझ के भाई दूसरे जो खज्जी वाले कुए पे जमीन यानी थी उस पर आ गई वहाँ भाई अच्छी फसल होती उसमें भाई यहाँ आने के फिर वहाँ था भाई मैंने समझ के भाई मैं समझ फिर सुकून लग गया पढ़ने। अच्छा और देहरादून में हाँ अच्छा बजी शहर में हम शहर देहरादून में रह गए बजी वहाँ शहर देहरादून में तो मैं सुकून लग गया पढ़ने।